हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक का थर्ड लेक्चर है ये। अभी तक दो लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जब हम लोग खत्म करने गए थे तो लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड देन मैंने बोला था कि उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या एक हम लोगों का आवाज देख लें, एक बार आ रहा है? आ रहा है। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + 2bx + c = 0, और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। दूसरे वाले के रूट्स देखिए, ax², दूसरे वाला क्या है हमारे पास, ax² + 2bx + c = 0, ये दे रखा है हम लोगों को। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, देखिए अगर मुझे ये दे रखा है, इसके रूट क्या दे रखे हैं एक समय के लिए देख लेते हैं, अल्फा प्लस गामा। दूसरा रूट दे रखा है बीटा प्लस गामा दे रखा है। देन प्रूफ डेट बोल रहा है a² b² - ac, और इसको प्रूफ करने को बोल रहा है। अब देखिए मेरे को दो इक्वेशन को रिलेट करना है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे मैं डिफरेंस ऑफ द रूट से रिलेट कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं यहां पे इनका अल्फा माइनस बीटा निकालू, अल्फा माइनस बीटा, और यहां से भी अगर दोनों को घटा दूं तो गामा गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा अगर मैं पहले इक्वेशन से निकालू या दूसरे इक्वेशन से निकालू, दोनों जगह से क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, होंगे इक्वल, क्योंकि अल्फा एंड बीटा तो आप सेम है ना। अब तुम चाहे कहीं से भी निकालो, मैं पहले वाले से निकालता हूं, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, मॉड रूट डी अपॉन ए, ठीक है। ए मतलब क्या, x² का कोफिशियंट। चलिए निकाल लेते हैं, अंडर रूट डी में कितना आ जाएगा बताइए हमारी तरफ से, 4b² - 4ac डिवाइडेड बाय ए, यही आएगा। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखिए, इसमें भी ऐसे ही आएगा, अंडर रूट डी अपॉन ए। तो इसका डी निकाल लीजिए, जैसे इसका डी निकालिएगा तो क्या आएगा, 4b² - 4ac डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। अब दोनों क्या है एक समय के लिए, इक्वल है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं, दोनों को इक्वल करके इसका, क्योंकि रूट है ना, रूट को हटाना है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर भी कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 4b² - 4ac डिवाइडेड बाय a² बराबर, यहां क्या आ जाएगा, 4b² - 4ac डिवाइडेड बाय कैपिटल a² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, a² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² * 4b² - 4ac = a² * 4ac। अब बोलोगे सर वहां तो 4 आ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इस 4 को क्या कर सकते हो, ऐसे कट कर दो दोनों तरफ से, तो ये 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जो भी प्रूफ करना है हम लोगों को क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से डिफरेंस ऑफ द रूट का क्या हुआ, यहां पे यूज हुआ। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला उन्होंने कि डिफरेंस ऑफ द रूट का हम लोगों को यूज करना है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा कि भाई ऐसे करके देखते हैं, शायद तक करके देखा तो हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। चलिए एक काम करिए, नोट करके एक दो पॉइंट लिखिए, नोट करके एक दो पॉइंट लिखिए। इफ द एक्सप्रेशन, इफ द एक्सप्रेशन ax² + bx + c, इफ द एक्सप्रेशन ax² + bx + c वेयर a b c are constant is not referred as quadratic equation, then we will analyze it in two cases with first a is equal to 0 and second a not equal to 0। देखो मान लो तुमको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है ax² + bx + c, ऐसे करके कोई एक fx हमारा एक एक्सप्रेशन दे रखा है,
अगर मान लो ये हम लोगों का कोई एक एफएक्स करके एक एक्सप्रेशन दे रखा है और बोले भाई कि यहां पे उन्होंने क्या ये बोल के रखा है, ए बी सी कॉन्स्टेंट बोल के रखा है और एक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कहीं पे भी क्वेश्चन में भी ये मेंशन नहीं है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, दो चीजें एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे, एक केस में ए क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए और दूसरा केस क्या हो जाए आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। दोनों केस हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो आपका ए है वो क्या है आपका नॉन जीरो है। या तो क्वेश्चन में मेंशन होता ए नॉन जीरो है या क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें लिख लीजिए एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट कैन बी रिटन एज देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये बता रखा है तभी भी एक जगह पॉइंट पे लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, यहां पे गिवन भी लिख लीजिए, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवेन ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, गिवेन ए बी सी आर कॉन्स्टेंट देन इट विल बी एन आइडेंटिटी दैट इज इट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स ऑल्सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं, पहले ही पढ़ रखा है कि आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो से ज्यादा वैल्यू क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या ये क्वेश्चन है, बेसिकली आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन हमेशा जीरो के बराबर है। या तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं ये जो देख रखा है, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, या तो मैं ये क्वेश्चन को ये प्रूफ कर सकता हूं, या चाहूं तो मैं आपका ये भी प्रूफ कर सकता हूं कि आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स के बराबर है, ये भी कर सकते हैं। या चाहें तो हम लोग इसको यहां पे माइनस लगा देते हैं, इक्वल टू जीरो के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में एक समय के लिए लिखूं, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी, ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया यहां पे, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग ले लिया, निकाल के निकालना मत, जरूरी नहीं निकालना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट आया उसको अलग लिखा, सी तो कांस्टेंट उसको अलग लिख लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ध्यान दिया कि अगर इस इक्वेशन में मुझे तीन चीज दिख रहे ए बी सी, तो सबसे पहले मैंने निकाला एफ ऑफ ए, मैंने डाल दिया इस इक्वेशन में एक्स बराबर ए डाल दिया, तो क्या आया एफ ऑफ ए, डालिए ए, तो ए डालोगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन जीरो, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जीरो, यहां ए डालोगे तो क्या आएगा ए माइनस बी ए माइनस सी कट जाएगा, तो यहां ए बचेगा और ये ए माइनस ए कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। सिमिलर तरीके से एक्स बराबर बी डालिए तो एफ ऑफ बी वो भी जीरो आएगा, कैसे आएगा रखिए,
बी डालने पे ये जीरो, ये जीरो, यहां बी डालोगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए बी माइनस सी, कट गया, बी माइनस बी जीरो। तो आपको अगला समझ में आ रहा होगा कि एफ ऑफ सी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक तरीके से, ये है ना दिख रहा है एक्स स्क्वायर, पर इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है, क्योंकि एफ एक्स के टर्म पे हमने इसको एज्यूम किया है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है, दो आए, तीन आ गए, दो से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन हमेशा सारी वैल्यू के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सारी वैल्यू के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई। बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, तरीके क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो गिवेन लिख देते हैं क्या, गिवेन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। तो चलिए अब आगे, हम लोग ये वाला पार्ट खत्म हो गया, यहां तक हम लोग को जो पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक समय के लिए इसको रफ करता हूं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ द रूट्स, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर, नेक्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को यह चीज पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसका रूट रियल होने के लिए क्या होना पड़ता है, डी को ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना पड़ता है। ये आपको आपने 9th-10th में पढ़ के रखा है कि अगर रूट को रियल होना है तो उसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट वो क्या हो जाए, आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, आपने ये पढ़ के रखा है। तो मैं इसी को एक चीज आपको एक एग्जांपल शो करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा हुआ है। अब मुझे इसका डी निकालना है, तो मैं पहले एक समय के लिए इसका डी निकालता हूं, निकालू तो क्या है, यहां पे आयोटा लिखा है प्लस वन, चलिए माइनस वन कर दीजिए, यहां पर कर दिया। अब डी निकालते हैं इसका, निकाले एक समय के लिए डी, तो डी क्या होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, तो क्या आया आयोटा स्क्वायर प्लस फोर। अब मैं आपको थोड़ा आयोटा के बारे में बता देता हूं, आयोटा जो होता है वो होता है अंडर रूट माइनस वन होता है, बेसिकली ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जाएगा, इमेजिनरी रूट मैंने गलत बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये बेसिकली आयोटा है। अब देखिए मैंने क्या बता के रखा हुआ है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आता, नहीं आता ये हमने बता के रखा है, पर मान लो अगर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा आता है ना, तो उसको फिर हम लोग इसमें डील करते हैं, इसमें डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर होगा जिसमें रूट के अंदर निगेटिव आएगा, उस चीजों को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट तो अलग है, बस इतना भी याद रखिएगा, ये आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है, इसको क्या रीड करते हैं, आयोटा, ठीक है, आपको समझ में ये चीज आ गया हो। एग्जाम्पल अब यहां अगर आयोटा अंडर रूट माइनस वन है तो स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन, आयोटा स्क्वायर कितना होगा आपका, माइनस वन होगा, होगा तो क्या मैं माइनस वन वहां रख दूं, रख देते हैं, तो कितना आंसर आया भाई इसका, थ्री आया, आया इसका थ्री, इसका मतलब इसका रूट क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए पक्का। तो चलो आगे देखो, तो एक्स बराबर अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दे, तो माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट फाइव प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, यह पर ये जो रूट आया अभी, ये जो रूट आया बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रूट आया, ये क्या आया, कॉम्प्लेक्स रूट, आयोटा आ गया ना, आयोटा आया, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आयोटा आए तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स, उसका मतलब क्या होता है आपका, इमेजिनरी रूट्स, आयोटा अगर किसी भी इक्वेशन में आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। तो आप बताइए भाई क्या ये आपका रियल, जैसे रियल नंबर होता है ना वैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे, आयोटा से करते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आती है, बेसिकली इमेजिनरी रूट आए। तो क्या अभी आप लोगों ने ये बोला था कि जिसका भी डी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा उसका रूट क्या आएगा, रियल आएगा, आएगा, पर मैंने आपको भी क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका रूट तो इमेजिनरी आ गया, आ गया इमेजिनरी रूट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ कंडीशन अभी कम ऐड थे,
उसको अभी हम लोग आगे और अच्छे तरीके से देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब ये आयोटा वाला सबके समझ में आएगा, आयोटा। अब देखो एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, जैसे देखिए माइनस रूट 64 लिखा है, इसको चाहूं ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट माइनस आयोटा माइनस 1 को मैंने अलग लिखा, अंडर रूट मैंने 64 को अलग लिखा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन अभी आया भी था एक्सरसाइज में, यहां पे रूट के अंदर आ रहा था निगेटिव, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे कर, तो मैंने बोल दिया था रियल रूट लिख देना, वो क्वेश्चन अभी ऐसे होगा। तो रूट 64 कितना होता है 8, और अंडर रूट माइनस 1 कितना होता है आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 आयोटा के बराबर लिख सकते हैं। अब आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि केवल बी ग्रेटर देन 0 होने के से हम ये नहीं बोल सकते कि जो आपका रूट होगा वो क्या आएगा, रियल आएगा। आपके रूट्स क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज का असली खेल। क्या खेल है देखिए, मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये दे रखा है, साथ में आपको ये बोल के रखा है कि a कॉमा b कॉमा c कांस्टेंट है, ठीक है, क्या बोल के रखा है कांस्टेंट, और साथ में एक चीज और बोल के रखा है कि a b c आपका रियल नंबर है। क्या है आपका रियल नंबर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेचर ऑफ द रूट के में कमेंट करना है, नेचर ऑफ रूट मतलब रूट के नेचर के बारे में अगर कमेंट करना है तो ये चीज जरूर पता होना चाहिए। साथ में यहां लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू 0, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपका जो ए बी सी है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है या एक्स का या कॉन्स्टेंट नंबर है, ये क्या है, क्या मतलब क्या कि रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या क्या चीज है, उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए, तब आगे हम लोग क्या करेंगे उसके नेचर के बारे में क्या करेंगे अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पीएस पे आ गए, सबसे पहले हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होता है। अब डी के केस में क्या हो सकता है, दो केसेस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं दो केसेस, चलिए तीन केस बना लेते हैं, कितने केस बना लेते हैं, तीन केस बना लेते हैं। पहला केस, केस नंबर, मैं इसको टेबल ऐसे बना के लिख रहा हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और यहां पे ये आ गया, आ गया। पहला केस है डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, अगर कभी भी आपका एबीसी रियल नंबर दे रखा है और डी आपका लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए आपका डी लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, और जो रूट्स होंगे वो ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होंगे, किसके फॉर्म में होंगे, ए, सर यहां ए नहीं लिखना चाहिए मेरे को क्योंकि ए वहां यूज कर लिया है, तो पी प्लस माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो याद रखिएगा, क्या बताया यहां पे, रूट्स आर इमेजिनरी, क्या होंगे, रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। अब बात करते हैं, इसमें भी थोड़ा और लिखेंगे, उसको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे, अभी केवल टेबल में छोटा टेबल रखना चाहिए, तो जिसके लिए यहां तक लिखा है, ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी, पी प्लस माइनस आयोटा क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा केस आता है डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला के पास जाऊं तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये आपका 0 हो गया, हो गया, तो केवल आपका ये वाला फॉर्म बचेगा, केवल ये बचेगा, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो क्या लिखा जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये समझिए। डी 0 हो गया मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे, ठीक है। तो थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड केस इज डी ग्रेटर देन 0। अब डी ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो डी ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, जो आपका रूट्स होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
क्या होगा इस केस पे, जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे रूट, क्योंकि डी आ गया तो कुछ ना कुछ रूट एग्जिस्ट करेगा, तो दो रूट यहां पे क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब यहां पे भी आपके दो केसेस, अब ये यहां तक ये वाली थ्योरी खत्म हो गई, इसमें दो केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं सबसे पहले, पर इसको यहां पे लिखने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि जो आपका ए कॉमा बी कॉमा सी है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या, क्यू, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। यहां तक आ गया, रियल नंबर है, उससे आगे भी एक स्टेप, क्या रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके, रैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर होना चाहिए। फिर आगे बात आया, या जो अगर जो आपका डी आया, क्या आ गया आपका, जो डी आ गया, तो डी के बारे में लिखते हैं। डी आ क्या आ गया आपका, परफेक्ट होल स्क्वायर। क्या आ गया आपका, परफेक्ट होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट होल स्क्वायर। परफेक्ट रो होल स्क्वायर आएगा तो आपके जो रूट होगा, जैसे परफेक्ट होल स्क्वायर आया, मान लो यहां 64 आया तो 64 क्या होगा आपका, बाहर निकल आएगा। रूट 64 कितना होता है, 8, डायरेक्टली यहां से सिंपल सा रूट आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर डी परफेक्ट होल स्क्वायर आ गया तो क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर मान लो डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपका डी आ गया, जैसे मान लीजिए रूट 65, रूट 70, रूट 13, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना नंबर, तो क्या ये रूट हट पाएगा, क्या नहीं हट पाएगा। तो इस केस में जो रूट्स आते हैं वो आपके आते हैं रियल आते हैं एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, साथ में इरेशनल रूट्स आते हैं। यहां पे आप चाहे भी तो ये भी लिख सकते हो यहां पे कि रूट ये रियल डिस्टिंक्ट के ऊपर ही लिख दिया, यहां लिख दिए रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, रैशनल, ठीक है। यहां पे हो जाएगा रूट्स आर irrational, roots are irrational, ठीक है। किस फॉर्म में, p plus under root q के फॉर्म में, p plus minus under root q के फॉर्म में, where p q belongs to rational number, ठीक है। ये हमारी एक थ्योरी है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या है थ्योरी, इंपॉर्टेंट याद ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर ax square plus bx plus c दे रखा है तो हमको ये देख रखना है कि ABC आपका रियल नंबर दे रखा है या नहीं। अगर ABC रियल नंबर दे रखा है तो मैंने सबसे पहले फाइंड किया उसका D। अब D अगर फाइंड करोगे तो B square minus 4AC, अगर आपका D less than 0 आ गया तो roots क्या होगा, imaginary। वो किस फॉर्म में होगा, P plus minus iota Q। अभी एक और अच्छे से देखते हैं इसको, ठीक है। Where PQ belongs to R, D 0 आ गया तो इस केस पे बहुत सिंपल, बल्ले बल्ले हो जाएगा, roots are real and equal। D greater than 0 तो roots are real and distinct, ठीक है। अब इसमें भी दो केस है हमारे, एक परफेक्ट होल स्क्वायर बन सकता है, एक परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं बनेगा। परफेक्ट होल स्क्वायर बन गया तो रूट्स क्या होगा, रैशनल। अगर परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। और इरेशनल रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में, या पी प्लस माइनस रूट क्यू, इसमें किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर भी आप ये बोल सकते हैं, इसमें इसमें अगर लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए, रूट्स विल एग्जिस्ट इन पेयर। यहां पे भी आप लिख लेना, रूट विल एग्जिस्ट इन पेयर, केवल इस वाले पॉइंट में, केवल इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, कि रूट विल एग्जिस्ट इन पेयर। अब देखिए यहां पे याद रखना बहुत सिंपल है। अब ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अगर मान लो किसी को ऐसे देखो, इसमें देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू, ये है, ये हमारे पास कोई एक फॉर्मूला है। अब मान लो अगर हमको पता है इस रूट के अंदर हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो नंबर आना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो नंबर आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे होंगे। अगर लेस देन जीरो आ गया तो रूट्स क्या हो जाएगा आपका, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। अब यहां पे अगर ये परफेक्ट होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया आपका, परफेक्ट होल स्क्वायर, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सिंपल सा क्या बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिज्यूम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x plus 4, ये assume किया, चलिए 4x plus 3 assume कर लीजिए, कर लिया, इसका d निकालिए कितना आएगा, 16 minus 12, 4 आया। तो
तो यहां पे क्या आएगा, x बराबर माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट फोर अपॉन टू, तो ये फोर क्या होगा, टू बन जाएगा, तो यहां से रूट्स क्या आया, माइनस फोर प्लस माइनस टू अपॉन, तो यहां से x बराबर क्या आया, एक आपका माइनस थ्री और दूसरा क्या है x बराबर माइनस टू, तो दोनों रूट्स क्या हुए यहां पे आपके रैशनल रूट्स आए, ठीक है। अब मान लो गलती से यहां पे फोर के जगह वन कर देता तो आपका यहां पे क्या आता, फोर आता, यहां कितना आता आपका ट्वेल्व आता, तो यहां पे रूट में क्या आना है, यहां पे ट्वेल्व लिखना पड़ता। अब जैसे अगर यहां पे आप ट्वेल्व लिखते तो क्या होता, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये रूट हटेगा नहीं, अगर रूट हटेगा नहीं तो इस केस में कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे, इरेशनल रूट, क्या है? जैसे मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आप लोगों का यूज होगा इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। चलिए अब आगे इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट नंबर वन रफ कर देते हैं फिर लिखना चालू करते हैं, ठीक है। नोट नंबर वन लिखिए, पहला नोट, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्स्टेंट देन रूट्स रिमेन अनचेंज। ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अभी इसके रूट्स कितने हैं, माइनस वन माइनस थ्री, इस केस में भी इसके रूट्स कितने होंगे आपके, माइनस वन एंड माइनस थ्री ही होगा। तो कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इफ कोफिशिएंट आर रियल then if exist imaginary root will occurs in conjugate pair। दोबारा लिख लीजिएगा, if coefficient are real then imaginary root will occur in conjugate pair। अब इस कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है, वहां पे जहां पे हम लोगों ने याद है नीचे लिखवाया था रूट्स विल एग्जिस्ट इन पेयर, वहां पे पेयर के साथ ना कॉन्जुगेट भी लिख देना, और इधर वाले में भी जहां इमेजिनरी रूट वाले में भी जहां पे लिखवाया था ना कि रूट्स विल बी इन पेयर, वहां पे लिख देना रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, यहां इरेशनल वाले रूट्स में भी लिख देना रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। ये लिख लेना, मैंने कॉन्जुगेट वर्ड भूल गया था। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनरी रूट, मैंने क्या बताया था कि पी प्लस आयोटा क्यू, अगर ये एक रूट दे रखा है इसका मतलब अपने आप जो दूसरा रूट होगा वो होगा पी माइनस आयोटा क्यू होगा। कभी भी जो कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा, लिखते जाइएगा एग्जाम्पल भी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ये दे रखा है। अब इसका सबसे पहले अगर हम लोग रूट निकालने जाते हैं, x बराबर क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस टू प्लस माइनस फोर माइनस ट्वेल्व माइनस एट डिवाइडेड बाय टू आया। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एट डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि बताया ना अंडर रूट
माइनस एट, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस वन अलग और अंडर रूट एट अलग, और यह क्या होता है हम लोगों का आयोटा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां से क्या आ गया आपका, यह आ गया, अब दिख रहा है रूट एट है, तो यहां से क्या आएगा, टू बाहर निकाल सकते हो, फोर से बाहर निकालोगे क्या आएगा, टू बाहर आ जाएगा, टू टू सब जगह क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट टू आयोटा, यही आएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने ये देखा कि कैसे इसके रूट्स आ रहे हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है कॉन्जुगेट वाला वर्ड, ठीक है, कि कॉन्जुगेट रूट्स। तो कॉन्जुगेट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है हम लोग ये ध्यान से देखते हैं। पहले देखो, अगर मान लो थ्री प्लस आयोटा लिखा है तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर जो बोला ना मैंने, वो होगा थ्री माइनस आयोटा होगा। अगर मान लो मैंने लिखा फोर माइनस आयोटा तो इसका क्या होगा आपका फोर प्लस आयोटा होगा। टू आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा आपका माइनस टू आयोटा होगा। और अगर थ्री लिखूं तो इसका भी कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा आपका थ्री ही होगा। मतलब कॉन्जुगेट पेयर लिखने के टाइम हम लोगों को क्या करना है, जो आयोटा के साथ लिखा है ना वहां माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ थ्री प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस आयोटा, फोर माइनस आयोटा क्या हो जाएगा फोर प्लस आयोटा, आयोटा के सामने अगर माइनस है तो प्लस। अब जैसे देखो यहाँ टू आयोटा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू आयोटा, यहाँ थ्री था तो यहाँ क्या रहेगा थ्री, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये बेसिकली क्या हो गया हम लोगों का एक कॉन्जुगेट पेयर वाला चीज ये, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और पेयर में एग्जिस्ट कब करते हैं, जब आपका ए बी सी जो आपका कोफिशियंट है वो क्या होता है रियल नंबर होता है, तब वो किस में एग्जिस्ट करते हैं आपका पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, नोट नंबर थर्ड आपका, नोट नंबर थर्ड है, इफ कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आइडेंटिकल, इफ कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर then if exist irrational roots will occur in conjugate pair, ठीक है। अब जैसे देखो टू प्लस रूट फाइव है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा आपका टू माइनस रूट फाइव होगा, ठीक है। या आपका अगर थ्री रूट फाइव लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा माइनस थ्री रूट फाइव होगा, ठीक है। रूट के सामने वाले को हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये हुआ बेसिकली आपका कॉन्जुगेट पेयर का मतलब। इसके ऊपर हम लोगों ने नोट्स भी लिख लिए, दोनों ये नोट तीन नोट लिखा है अभी तक। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक और, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बेटर होगा और ज्यादा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा हम लोगों का। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, लेट वन रूट, चलिए मैं लिख देता हूं देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो जिससे टाइम बचेगा हम लोगों का। चलिए हम लोग, अब मैंने चार क्वेश्चन लिख दिए हैं जिससे टाइम बच जाए, है ना, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। क्या लिखा है, लेट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज टू प्लस रूट थ्री, देन फाइंड द इक्वेशन एंड अदर रूट, देन फाइंड द इक्वेशन एंड अदर रूट। तो देखिए भाई, और बोल के रखा है ए बी सी आपका क्या है रैशनल नंबर बोल के रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी सी रैशनल नंबर जो बोला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं यहां पे, देखिए हम ये बोलेंगे कि अगर एक 2 प्लस रूट 3 अगर आपका एक रूट है, है ना, और इसने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि ए बी सी आपका रैशनल है, तो अपने आप जो सेकेंड रूट होगा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों, क्योंकि रूट हमेशा इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पर 2 माइनस रूट 3 आ गया आपका दूसरा रूट। अगर मान लो क्वेश्चन में ये नहीं गिवेन होता कि ए बी सी आपका रैशनल नंबर है, अगर मान लो नहीं गिवन होता, तब हम लोग ये नहीं बोलते कि इसका रूट आपका 2 माइनस रूट 3 होगा, तब हम लोग कमेंट पास नहीं करते। उस केस में हम लोग के लिए बोलते कि 2 प्लस रूट 3 इसका एक रूट है, दूसरे रूट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता,
बट अभी गिवेन है इसलिए ये आ गया। अब देखिए भाई डायरेक्टली अगर ये दे रखा है तो सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, निकाल लो सम ऑफ द रूट्स, दोनों को ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोगों का डायरेक्ट, ये आंसर आ गया, दोनों हो गया। अब मेथड 2 की भी बात कर लेते हैं, अगर मान लो किसी को नहीं अच्छा लगा तो मेथड 2 की भी बात कर लेते हैं। अगर x बराबर, अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को तो किसी को प्रॉब्लम होगा क्या, क्योंकि अगर 2 प्लस रूट 3 उसका रूट है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक x के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब क्या किया मैंने, 2 को उधर लिया है, x माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 3, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, आपका जो भी मन करे जिस वाले भी, पर यहां पे क्या होगा कि ये करने के बाद फिर हम फॉर्मूला लगा के सेकेंड रूट बता पाएंगे। इस वाले मेथड में क्या हुआ कि हमने सेकेंड रूट पहले बताया देन उसका यूज करके इक्वेशन निकाला, इसमें क्या होगा इक्वेशन पहले बनाएंगे देन हम लोग उससे रूट निकालेंगे सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, देखिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 देखते हैं, सॉल्व फॉर, क्वेश्चन 2 बोल क्या रहा है पहले तो ये देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 2 ये बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स प्लस रूट 3, ये पूरा इक्वेशन दे रखा है, दे रखा है। तो देखिए अगर मैं क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप क्या करिए, रूट वाले टर्म अलग रखिए, जैसे रूट 3 है तो उसको अलग करिए, उसके साथ जो भी कोफिशियंट आ रहा है उसको अलग करिए, एंड देन जो आपका बाकी टर्म बच गया उसको अलग करिए। तो हम एक अलग करते हैं, देखिए कहां कहां से अलग हो रहा है ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक दिख रहा है मुझे ये एक्स 2y और इसके साथ 5 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर ले तो अलग अलग आ जाएगा। तो करते हैं भाई, लिखते हैं, देखिए तो क्या आएगा एक्स प्लस 2y। अब यहां से देखिए ये वाला टर्म हो गया, अब यहां से देखिए 5 into 2x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 5 into 1 कितना होगा 5 होगा, तो इक्वल टू 0 आ गया, ये पहला इक्वेशन। अब रूट 3 की वजह से देखिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक समय के लिए, देखिए अब रूट 3 की वजह से कौन कौन सा आएगा आपका, एक रूट 3 ये हो गया, ये वाला टर्म एक रूट 3, अब ये जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। चलो देखो अभी मैं 0 गलत लिख दिया मैंने, अब यहां पे प्लस रूट 3 टाइम यही होगा, तो रूट 3 टाइम है तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, 2y इधर से क्या आ जाएगा आपका प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन और मिल गया, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, y आएगा 2y नहीं आएगा, केवल y आएगा क्योंकि रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है ना आपका, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल के रखा है, अब ये एक अलग ब्रैकेट है और ये वो दूसरा अलग ब्रैकेट है, अब दोनों का अलग अलग ब्रैकेट है, एक्स वाई उसने बोल के रखा है कि रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल और ये रैशनल, ये पूरा नंबर क्या आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएगा, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, तो ये रैशनल नंबर आएगा, पर रैशनल नंबर को अगर ये रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा, और रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा, पर इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब है ये दोनों को क्या होना पड़ेगा रैशनल नंबर होना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, इसके लिए ये और ये 0 हो जाएंगे, तो कर दीजिए 0, तो क्या आ गया 11x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, दूसरा 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना जो आंसर आएगा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एक एक्सप्लेनेशन और देता हूं कि ये लिखा है इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, देखो x प्लस 2y प्लस 10x प्लस 5 प्लस रूट 3 टाइम y प्लस 2x प्लस 1, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो किसी को प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, रूट 3 वाली इस पार्ट को मैंने इससे कंपेयर कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने इससे कंपेयर कर दिया, तो वही सेम चीज ऊपर लिख के आ जाएगी, ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग था, आना आंसर सेम था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड अल्फा, क्वेश्चन 3 इज फाइंड अल्फा इफ रूट्स ऑफ
दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसकी बात कर रहा है। तो हमारे पास ए की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं कितनी है, 1, बी कितना है हमारे पास माइनस 2 अल्फा, सी कितना है 2 अल्फा प्लस 3। अब डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। अब बी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दैट इज 2 अल्फा प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो दिख रहा है यहां से 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 4 और ये 4 हट गया, तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आउटसाइड द रूट, तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आ गया हम लोगों का आंसर। इसका मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू कोई भी आ जाए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच कोई वैल्यू ले लो या 3 से इंफिनिटी के बीच कोई वैल्यू ले लो, अगर आपने कोई भी वैल्यू लिया उस केस पे हमारा जो रूट आएगा हमेशा क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। ये हमको यहां से आंसर आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखिए रफ कर देते हैं इसको पहले एक टाइम के लिए, देन बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। 4 क्या बोल रहा है, लेट ए बी बिलोंग टू क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, एंड वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं पूरा ही रफ कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा। देखिए अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 3ax प्लस बी प्लस 2a बराबर 0। अब इसने बोल के रखा है कि a कॉमा बी आपका रैशनल नंबर है। अब याद रखिए a कॉमा बी के रैशनल होने की वजह से हमारा जो जितने भी कोफिशियंट हैं वो क्या हो जाएंगे, रैशनल। और याद रखिए हम लोगों को कोफिशियंट को देखना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं, बाकी कुछ हो मुझे उससे मतलब नहीं है, हमको मेन देखना है कि कोफिशियंट आपका रैशनल नंबर है या नहीं। तो सीधी सी बात है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रैशनल हो गया, अगर बी रैशनल है, ए रैशनल है, तो बी प्लस 3ab क्या होगा, रैशनल होगा, बी प्लस 2ab क्या होगा, रैशनल होगा। इसका मतलब सारे जो कोफिशियंट है आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, हो गए। अब जैसे ही अगर ये सारे आपके रैशनल नंबर हो गए, तो अगर इसका एक रूट, ये क्या लिखा मैंने 2 प्लस रूट 5, अगर इसका एक रूट मैंने 2 प्लस रूट 5 लिखा है, तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5। क्यों, क्योंकि आपके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आएगा इधर से सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका बताओ, इधर से क्या आएगा, x का कोफिशियंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशियंट विद एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है ना, माइनस बी बाय ए होता है, तो क्या आएगा, b प्लस 3a डिवाइडेड बाय a माइनस टाइम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। कुछ नहीं है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा, b प्लस 3a बराबर माइनस 4a, तो यहां से क्या आया, b प्लस 7a बराबर 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कहां से आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, a प्लस बी, ए सॉरी दिख रहा है वहां पे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 प्लस रूट 5, तो 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन a, तो b प्लस 2a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से दिख रहा है b प्लस 3a बराबर 0। अब दिख रहा है डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि यहां दोनों से अगर बात करूं मैं, तो a भी 0 आ रहा है आपका एंड b भी 0 आ रहा है, दोनों केस में a भी 0 एंड b भी 0। बट बच्चे सोचेंगे यहां पे तो हमारा आंसर आ गया, पर मैं बोलूंगा आपका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, यहां पे एक गड़बड़ हो गई, यहां पे क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कि अगर यहां पे उन्होंने ये बोला कि ए बी आपका रैशनल नंबर है, 2 प्लस रूट 5 एक रूट है, दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 5, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 प्लस रूट 5 एक रूट है, दूसरा रूट क्या होगा,
टू माइनस रूट फाइव, तो दोनों रूट, अब हम लोग अगर अब इक्वेशन के अगर दो रूट से तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपका जीरो नहीं हो सकता, पर हमारा आंसर क्या आया, जीरो आया। तो इसका हम ये आंसर नहीं लिखा, हम आंसर लिखेंगे नो सच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ए एंड बी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारा ये आंसर होगा कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो इससे ठीक है, तो ये आंसर होगा। कभी कभी ऐसा होगा भी क्वेश्चन में कि आपको कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ऑप्शन में भी ऐसा देखा रखा रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, एक सेकंड मेथड की भी बात कर लेते हैं, दो तीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे है दूसरा मेथड, अगर मान लो टू प्लस रूट फाइव रूट है, तो मैंने उसको क्या किया, मेथड टू की बात करते हैं, उसको मान लिया टू प्लस रूट फाइव, मान लिया टू को इधर लाया, तो एक्स माइनस टू बराबर रूट फाइव स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स बराबर फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब अगर आप कंपेयर करिए, अब अगर आप यहां से कंपेयर करें, कर सकते हैं कंपेयर, करिए, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, दिख रहा है ए बराबर वन आया, यहां ए बराबर वन आया। अब करिए बी प्लस थ्री ए बराबर क्या आएगा, माइनस फोर आएगा, और एक और इक्वेशन है बी प्लस टू ए बराबर कितना आएगा, माइनस वन आएगा, आएगा। ए की वैल्यू एक बार वन रखिए, ए की वैल्यू अगर आप वन रखिए क्या, जैसे ही वन रखेंगे यहां वन रखे, या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को घटाओगे, दोनों को घटा दो एक समय के लिए, अगर दोनों को घटाया घटाया तो क्या आएगा, यहां से थ्री ए माइनस टू ए बचेगा, बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आ गया माइनस थ्री आ गया। अब मेरे को ये बताओ यहां पे क्या दो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ए की नहीं कर सकती है, कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, क्योंकि एक वैल्यू तो एक दूसरे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं ना दोनों, क्योंकि तीनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, कभी भी ऐसे तीन इक्वेशन आते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पर अगर मैं इन दो को सॉल्व करूं तो क्या ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर मैं इस दोनों को सॉल्व करूं तो a बराबर माइनस थ्री आ रहा, अगर यहां माइनस थ्री रखूं तो क्या माइनस थ्री वन के बराबर होता है क्या, नहीं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, नो सच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एग्जिस्ट, मतलब ए एंड बी की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे। ये हो गया इसका मेथड टू। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। इसका एक मेथड थ्री भी है, मेथड थ्री क्या है आपका वो भी बता देते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मेथड थ्री की बात करूं तो टू प्लस रूट फाइव है, चलो मेथड थ्री भी देख लेते हैं, मेथड थ्री। अब देखिए मेथड थ्री, मेथड थ्री है, अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री ए एक्स प्लस बी प्लस टू ए एक्स बराबर जीरो, टू प्लस रूट फाइव अगर इसका रूट है, हम वो वाला चीज यूज ही नहीं कर रहे, टू प्लस रूट फाइव अगर इसका रूट है तो इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो सेटिस्फाई कर दीजिए, एक्स की जगह क्या डाल दीजिए, यहां पे टू प्लस रूट फाइव पुट कर दीजिए, करिए तो टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री ए मल्टीप्लाई टू प्लस रूट फाइव प्लस बी प्लस टू ए बराबर जीरो, यही आएगा। अब जैसे ही अगर ये आया तो मुझे ये समझ में आया इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करोगे यहां पे क्या क्या आ रहा बताओ, ए टू प्लस रूट फाइव ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना आएगा, फोर प्लस फाइव नाइन प्लस टू ए किसकी वजह से, टू और, तो फोर रूट फाइव तो यहां से आ गया आपका। देखो फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कर लो, तो यहां से क्या आएगा, टू बी आएगा, एक तो इसकी वजह से टू बी आया प्लस बी रूट फाइव एक ये आएगा, यहां से कितना आ जाएगा, सिक्स ए आ जाएगा, और यहां से थ्री रूट फाइव ए आ जाएगा प्लस बी प्लस टू ए बराबर जीरो, यही आएगा। अब देखिए अगेन वही सेम चीज करना है, रूट फाइव वाले टर्म को अलग रख लो और सिंपल वाले टर्म को, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो इस वैसे ही करना है इसको भी सॉल्व। तो देखो 9a यहां से आया, 6a यहां से आया और 2a यहां से आया, तो टोटल कितने आ गए, 17a यहां से आए सिंपल वाले। अब b की बात करते हैं जो कल सिंपल सिंपल आए, 2b यहां से आएगा, b यहां से आएगा, तो प्लस 3b यहां से आ गया बराबर, अब ये आ गया प्लस। अब रूट फाइव वाला देखते हैं, तो रूट फाइव में पहले a का टर्म देख लेते हैं,
तो यहां कितना आएगा 4a, यहां कितना आया 4a, यहां कितना आएगा 3a, तो 4a प्लस 3a कितना हो गया 7a हो जाएगा। अब बात करते हैं b वाली टर्म का, तो b वाले रूट में एक रूट यहां से आएगा क्योंकि लिख ही दिख रहा है, तो प्लस b बराबर 0। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, क्या सेम, कि अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल, तो पूरे ये वाला टर्म रैशनल होगा, ये टर्म रैशनल होगा, सामने रैशनल नंबर दे रखा है, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 0, इसको क्या होना पड़ेगा 0, तो 17a प्लस 3b बराबर 0, 7a प्लस b बराबर 0, अगेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, और हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या आएगा, नो सच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगेन हम लोग दो तीन क्वेश्चन चलिए देखिए, चार क्वेश्चन मैंने भी और लिख दिए हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका ट्रू फॉल्स है, ये मुझे आप लोग खुद से एक बार सोच के समझ के क्या करिएगा, मुझे सेंड करिएगा कि आपका आंसर क्या आता है, देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, है ना, तो 5th एंड 6th आपको सेंड करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको सॉल्व करना है, इफ द इक्वेशन देके रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूं, बाकी आपका ये तीन क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट। अब इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, तो दिख रहा है, निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले a लिख लो, a कितना है 1, b लिख लो, तो b आपका दिख रहा है -2 1 + 3m, एंड c लिख लो, तो c भी दिख रहा है आपका 7 3 + 2m। अब लिख निकाल लो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b स्क्वायर कितना होगा आपका बताओ भाई, 4 × 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है 7 × 3 + 2m बराबर 0। अब देखिए भाई दिख रहा है कि ये 4 हट जाएगा, ये 4 का क्या हुआ हट जाएगा, अब दिख रहा है तो यहां से कितना आएगा, अब निकाल लेते हैं भाई, तो एक साथ करते हैं यहां डायरेक्टली, तो यहां दिख रहा है m स्क्वायर का, तो केवल एक ही टर्म आएगा 9m2। अब बात करते हैं m वाले टर्म की, तो यहां से कितना आएगा 6m आएगा, क्योंकि 4 ये हट चुका है, ये 4 और ये 4 हट गया, तो कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल के हटा सकते हैं, सामने 0 दे रखा है, यहां से 6m आएगा, यहां से कितना आएगा -14 आएगा, तो -14n + 6 कितना हो गया -8m हो गया। अब देखते हैं प्लस वाला, तो यहां से 1 आएगा और यहां से कितना आएगा 21, और मर माइनस वाला, तो कितना आ गया -20 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोगों का इसका क्या आ गया आंसर। अब देखिए दिख रहा है फैक्टर 9 × 20 = 180, 10 - 18 and 10, 9m² - 18m + 10m - 20 = 0, तो कॉमन दिख रहा है 9m, तो m - 2, यहां से -1 कॉमन, तो m - 2 = 0, sorry, +1 ही आ जाएगा, तो दिख रहा है m = 2 और m = -1/9, तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको थ्योरी थोड़ी याद रखने की, क्या थ्योरी है, थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आप लोग रिवीजन करिए, देन आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होता जाएगा सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया इसमें, आज के लिए फिर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क है, मुझे सॉल्व करके आप लोग सेंड करिएगा, फिर मैं आगे, नहीं एक मिनट, ये तीन क्वेश्चन तो होमवर्क है, उससे पहले एक चीज लिखिए, लास्ट पॉइंट बच गया हमारा, नोट करके पांचवा नोट लिखिएगा, लास्ट नोट है, देन फिर हम लोग इसको बंद करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट नोट लिखिएगा एक, इफ सम ऑफ कोफिशियंट, लास्ट नोट, नोट नंबर 5 होगा मेरे हिसाब से, हाँ, इफ सम ऑफ कोफिशियंट इज जीरो, देन इफ सम ऑफ कोफिशियंट इज जीरो, देन वन रूट विल बी वन, देन वन रूट, देन वन ऑफ द रूट, देन वन ऑफ द रूट विल बी वन, वन ऑफ द रूट विल बी वन, दिस वन। ठीक है, दैट इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन
वन विल बी देन वन विल बी देन वन विल बी वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन वन विल बी वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर कभी भी इन कोफिशियंट का सम, मतलब कभी भी इन कोफिशियंट का सम आपका वन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका इसका एक रूट क्या होगा, एक्स बराबर वन होगा। अगर इसका एक रूट वन है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अगर अल्फा इंटू बीटा इसके रूट मान लें तो अल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई वन, तो बीटा अपने आप कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है कि कभी कभी हम लोग उनके केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है उसके कोफिशिएंट को देखें, अगर उसका सम जीरो आ जाए इसका मतलब क्या है कि वन एक्स इज इक्वल टू वन उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई कर रहा होगा इसका मतलब उसका एक रूट क्या होगा, हम लोगों का वन के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क है, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन मुझे मैसेज करिएगा सॉल्व करके, देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। चलिए, बाय बाय।